हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैशाली फूड एंड आर्ट डेकोर चैनल। आज मैं आपके लिए मटन कीमा की रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी लुक वाइज ही बहुत टेम्पटिंग लग रही है। मटन कीमा बनने के बाद बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका और तरी तो बहुत ही जबरदस्त लग रही है। बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगी इसे कैसे बनाना है। झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। आइए चलिए चलते हैं मटन कीमा की रेसिपी की ओर। यहाँ मैंने एक कुकर लिया है जिसमें दो बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल अच्छा गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 6 काली मिरी, 2 चक्री फूल, 2 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची, 3-4 दालचीनी के टुकड़े लिए जिन्हें तोड़कर डाल रही हूँ, 3-4 तेज पत्ता डालेंगे, बे लीफ। तेल में खड़े मसाले एक बार अच्छे से हो जाए फिर इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज 3 प्याज लिए हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। तेल में प्याज को अच्छा भून लेंगे। इसके बाद में इसमें डालूंगी अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें डाली है। इसे अच्छा भून लेंगे। अब इसे मैं डालूंगी 2 मध्यम आकार के टमाटर। टमाटर को अच्छा बारीक काट लिया है, इसे अब इसमें ऐड कर देंगे। तेल छूटने तक हमें टमाटर और प्याज को भूनते रहना है। ये देखिए प्याज और टमाटर अच्छा तेल में भून चुका है। अब इसमें सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 चम्मच मटन मसाला। अभी इन सूखे मसालों को तेल में अच्छा भून लेंगे। मसालों का कच्चापन दूर होने के लिए इसे तेल में अच्छे से भूनना है। ये देखिए ऑलमोस्ट तेल में ये मसाले भून चुके हैं। मसालों का बहुत बढ़िया कलर भी आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 किलो मटन कीमा। मटन कीमा को साफ पानी से धो लिया, इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब इस मटन कीमा को तेल और मसाले में अच्छे से मिक्स करना है। सारा मसाला इस कीमे में अच्छे से लगना चाहिए। अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप हमेशा अपने स्वाद अनुसार ही इसमें डालें। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसे लीड लगाकर धीमी आंच पे हमें पकने देना है। इसे मैंने लीड लगाकर धीमी आंच पे रख दिया था पकने के लिए 5-10 मिनट के लिए। इसमें मैं अब 3 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ जिसको मैंने बीच में से काट लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं अब पानी ऐड करूंगी। याद रखिए जब भी आप कुछ खाना बनाएं हमेशा गर्म पानी ही इसमें ऐड करें। इसमें मैंने 1 कप गर्म पानी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे धीमी आंच पे होने दीजिएगा। इसमें मैंने टोटल 3 कप पानी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब कुकर का ढक्कन लगा के इसकी 5 सीटियाँ ले लेंगे हम। जब तक कुकर की सीटियाँ हो रही मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक लाइक तो बनता है दोस्तों। यहाँ कुकर की 5 सीटियाँ हुई हैं। आइए देखते हैं, कुकर ठंडा भी हो गया है। वाओ क्या जबरदस्त कलर आया है। तरी तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। ये देखिए एकदम परफेक्ट दिख रहा है। अभी इसमें ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और 1 उबाल ले लेंगे। 1 उबाल आने के बाद गैस बंद कर दीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स करके इसकी प्लेटिंग कर लीजिएगा। वाव क्या जबरदस्त कलर आया है, बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपके फैमिली और फ्रेंड्स में, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर जाएगा नहीं, पास ही बेल बटन इसे जरूर प्रेस करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।